हमारी उम्मीद होती है कि हमसे कमजोर हमेशा चुप रहे। जिसे हम कमजोर मानते हैं, हकीकत क्या है ये आप हम सभी जानते हैं। इस कविता में वो सारी बात है। पसंद आए या ना आए, इस बात से बेपरवाह मैं आपके सामने अपनी ये कविता पेश कर रहा हूं कि जो तोड़ी चुप्पी तो सलवटों ने किसी के माथे पे घर बनाया, किसी ने अपना छिपाया चेहरा तो किसी का रुतबा है तमतमाया। जो तोड़ी चुप्पी तो सलवटों ने किसी के माथे पे घर बनाया। इशारा समझ रहे होंगे तो ये भी समझिए कि रिवायतें जो बदलते देखी सनम को अपने वो लेके आया। रिवायतें जो बदलते देखी अपने ईश्वर को लेके हम चले आए। जहां कहीं भी उठी जो उंगली तुम्ही ने है आ मुझे जलाया। न तोड़ू चुप्पी तो सलवटें भी किसी के माथे पे ना बसेंगी, कि न तोड़ू चुप्पी तो सलवटें भी किसी के माथे पे ना बसेंगी। है इश्क में गर ये सारे बंधन तो ऐसा सौदा मुझे न भाया, तो ऐसा सौदा मुझे न भाया। गजल कहा था तुम्ही ने मुझको, मुझे ही सबसे हंसी कहा था। हिजाब मेरा अगर ये खसका, हिजाब मेरा अगर ये खसका तो तंज कस के मुझे रुलाया, तो तंज कस के मुझे रुलाया। जो तोड़ी चुप्पी तो सलवटों ने किसी के माथे पेखर बनाया, किसी के माथे पेखर बनाया। साथियों, बिलॉस मोहब्बत करने वाले कभी कैफियत नहीं मांगते और चुप्पियां भी नहीं टूटती, लेकिन अब वो दौर कहाँ, न हीर न रांझा न सोहनी न महिवाल, ये इश्क का वो दौर है जिसे हम शर्तों वाले इश्क का दौर कह सकते हैं। रचना पसंद आई हो तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक अवश्य कीजिए। गिरीश बिलोरे का सादर नमस्कार स्वीकार करते हैं।